पता है आई नेवर रियलाइज कि मुझे ना सफाई करने का ओसीडी है। वो क्या है कि कल जब जनता कर्फ्यू था तो घर में बैठी थी, इंस्टेड ऑफ रिलैक्सिंग आई रियलाइज कि मैंने वो सारी अलमारियाँ खोल डाली जो इनको मैं साफ़ करना चाहती थी, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस ना अवॉइड कर रही थी कि अरे और भी बहुत से काम हैं, इसको खोल के बैठ गई तो ये बहुत टाइम लेगा। आई टेल यू, आप और हम अपने बारे में ना इस फुर्सत के पलों में बहुत कुछ जान सकते हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो हम खुद भी भूल चुके हैं अपने बारे में। तो चलिए कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी बातें आज जान लेते हैं छोटी सरदारनी के सरबजीत के बारे में, यानी अविनेश रेखी के बारे में। हाय, मैं हूँ अविनेश रेखी और आज मैं आपको बताऊँगा अपनी छोटी छोटी बातें। जी, मैंने अपनी पढ़ाई की है चंडीगढ़ से एंड देयर वर लॉट ऑफ स्कूल्स विच आई अटेंडेड। फर्स्ट मेरा जो स्कूल था वो था सेंट जेवियर्स, जहाँ से मैंने अपनी पूरी प्राइमरी एजुकेशन की। उसके बाद मैं हॉस्टल में गया जहाँ मैंने 2 साल अपने हॉस्टल में बिताए, विच वाज आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। एंड देन आई वेंट टू DAV सेक्टर 10 विच वाज इन चंडीगढ़ ओनली। और उसके बाद वहाँ पर एक संजय पब्लिक करके स्कूल था, वो मैंने ज्वाइन किया जहाँ तक मैंने अपनी 12th की। और उसके बाद मैंने D.A.V. कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 10 से अपनी ग्रेजुएशन की। एंड देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया जहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की इन मास्टर्स कंप्यूटर्स। 5 अक्टूबर 1984 और मैं पैदा हुआ था पंजाब में एक जगह है कॉल्ड नाबा जो पटियाला के पास है, वहीं पर। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली आई वुड हैव बीन एन एक्सपोर्टर, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे मामा जी की कंपनी है एक बाइंग ऑफिस की, और मैं एज अ बाइंग एजेंट वहाँ पर काम कर रहा था, जो कि मैंने 1-1.5 साल किया है। साइमल्टेनियसली उस टाइम पे मैं ऑडिशन भी देता था। सो अगर मैं एक्टर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं एक एक्सपोर्टर होता। पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था फॉर एन एड कॉल्ड वर्ल्ड स्पेस रेडियो स्टेशन बॉम्बे में ही। सो उसी का ऑडिशन दिया था सबसे पहले। तब जब कैमरा फेस किया था, सॉरी, तो वो ऑडिशन था वर्ल्ड स्पेस रेडियो स्टेशन का, बट उसमें इनकम बाद में जनरेट हुई थी जब मैं उस ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गया था फॉर दैट एड वर्ल्ड स्पेस रेडियो स्टेशन, जिसमें मुझे आई थिंक 15,000 रुपये मिले थे, जो कि मैंने सारे अपने मम्मा को दे दिए थे। जंक फूड जो मैं खा नहीं पाता हूँ ज़्यादा, बट या जंक फूड। अमित जी एंड ऋतिक रोशन मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। दीपिका पाडुकोन। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इज़ जर्मनी। मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। मेरा तकिया कलाम, वो मंजिल ही बदनसीब थी जो मुझे ना पा सकी, वरना जीत की क्या औकात जो मुझे ठुकरा दे। ऑफ कोर्स सास बहू और साजिश से मेरा रिश्ता काफ़ी टाइम से है एंड ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपने फैंस तक पहुँच सकता हूँ और जो मेरी पर्सनल बातें हैं वो उन तक पहुँचती हैं, जैसे कि ये छोटी छोटी बातें जो अभी उन तक पहुँच रही हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हैं, इस वजह से मैं भी हूँ अपने फैंस के लिए पर्सनल। ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी सी बातें और अब आप मुझे पहले से कुछ ज़्यादा जानते होंगे एंड और जानने के लिए आप प्लीज़ देखते रहिए सास बहू और साजिश। ये है ABP News, आपको रखे आगे।